एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है, तो वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया है कि INDIA ब्लॉक के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझ गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार 5 मार्च को कहा कि कांग्रेस ने INDIA ब्लॉक के अन्य सभी दलों के साथ अपने सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि पश्चिम बंगाल को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। ममता बनर्जी ने यहां गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच मंगलवार को जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। हालांकि किस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, रमेश ने इसकी जानकारी नहीं दी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नसीर आलम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में INDIA ब्लॉक के बीच सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी, जबकि कांग्रेस जम्मू, उधमपुर और लद्दाख सीट से अपने कैंडिडेट उतारेगी। महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संपर्क में है, जयराम रमेश ने कहा उन्हें उम्मीद है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा और वे पूरी कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी गठबंधन का हिस्सा है। वो पटना, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली की बैठकों में शामिल हुई थी। उनकी प्राथमिकता BJP को हराना और भारत को मजबूत करना है। जल्द ही कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। जयराम रमेश ने बिहार के CM नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर हैं। गठबंधन में कुल 28 दल थे, लेकिन इनमें से एक पार्टी नेता बिहार के CM नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। उनका इतिहास पलटी मारने का रहा है, वो पलटी में माहिर हैं। 28 में से 27 पार्टियां बची और बाद में एक और पार्टी इंडिया ब्लॉक छोड़कर NDA में शामिल हो गई। इस तरह हम 26 हो गए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 26 पार्टियां मजबूत पार्टियां हैं। लोकसभा चुनाव करीब है और INDIA गठबंधन कहां खड़ा है? इस सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा कि गठबंधन की शुरुआत पिछले 23 जून को पटना में हुई थी। उसके बाद दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी और चौथी बैठक पिछले साल 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी। जयराम रमेश ने कहा हमारे गठबंधन में कुल 28 दल थे। इसके बनने के बाद अचानक प्रधानमंत्री ने मृत पड़े NDA गठबंधन को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। हमारा गठबंधन बना तो NDA की बात शुरू हो गई थी। NDA कहां से आता है? INDIA से दो ईमानदारी और इंसानियत निकाल दो तो NDA बन जाता है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज रह चुकी बहुजन समाज पार्टी भी अब लोकसभा चुनाव में गठबंधन के ताने बाने बुनने लगी है। यूपी की पूर्व CM मायावती की पार्टी ने दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति के साथ गठबंधन कर लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हुए इस गठबंधन का ऐलान खुद KCR ने किया है। बसपा के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष RS प्रवीण कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व CM KCR ने कहा कि हमने तय किया है कि अगला संसदीय चुनाव BRS और BSP साथ मिलकर लड़ेंगे। ये फैसला तब लिया गया जब एक दिन पहले ही BRS ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। KCR ने कहा कि दोनों दलों का गठबंधन काफी कारगर होने वाला है। उन्होंने कहा हमने कई पहलुओं पर साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक मायावती से बात नहीं हुई है, अभी सिर्फ RS प्रवीण कुमार से बात हुई है। तेलंगाना के बसपा प्रदेश अध्यक्ष RS प्रवीण ने PM नरेंद्र मोदी और केंद्र की BJP सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारी BSP BRS दोस्ती तेलंगाना को पूरी तरह से बदल देगी। उन्होंने कहा कि KCR से मिलकर अच्छा लगा, हम लोग एक साथ लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मायावती को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल होने का न्योता कांग्रेस कई बार दे चुकी है। पार्टी ने कहा है कि मायावती को फैसला लेना है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी या विपक्षी दलों के साथ मिलकर। उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। हालांकि मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालांकि राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान BSP से निष्कासित सांसद दानिश अली शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा भी फाइनल हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात की 26, हरियाणा की 10, गोवा की 2 और चंडीगढ़ सीट के लिए भी शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो गया है।
कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और आप लीडर संदीप पाठक ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। वहीं गुजरात की भरूच सीट कांग्रेस ने आपको दे दी। इसे लेकर अहमद पटेल की बेटी मुमताज ने एक्स पर लिखा था कि जिले के कार्यकर्ताओं से माफी चाहती हूं कि गठबंधन में हम भरूच सीट को अपने लिए नहीं रख पाए, इसका मुझे खेद है, हम अहमद पटेल को नहीं भूलेंगे। केजरीवाल ने जनवरी में गुजरात यात्रा के दौरान राज्य की भरूच लोकसभा सीट पर चैतर वसावा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। भरूच सीट से कांग्रेस के नेता अहमद पटेल सांसद थे, उनका 2020 में निधन हो चुका है। पटेल के बेटे और बेटी इसी सीट से टिकट मांग रहे थे। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आप में सहमति नहीं बनी। आप और कांग्रेस सभी सीटों पर अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 10 फरवरी को इसका ऐलान भी किया था। उन्होंने 21 फरवरी को कहा था कि पंजाब में अकेले लड़ने का फैसला जीतने के लिए किया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी एमपी की सीटों पर समझौता किया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस ने एक खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी है। आपने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि वो INDIA के साथ है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में लगातार अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी करती है। आपने 8 फरवरी को असम में 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इधर TMC ने असम में 2 और मेघालय में 1 सीट मांगी है, जिस पर कांग्रेस और TMC में चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस मेघालय सीट देने की इच्छुक नहीं है। असम में 14 और मेघालय में 2 सीटें हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। ममता भी खुद को INDIA का हिस्सा बताती रही हैं। हालांकि उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने के अपने फैसले के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फेल होने का हवाला दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने रास्ते पहले ही अलग कर चुके हैं। वो INDIA के सूत्रधार थे। उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों को BJP के खिलाफ एकजुट किया था। हालांकि वे खुद 28 जनवरी को NDA में शामिल हो गए और BJP के साथ मिलकर सरकार बना ली। फिलहाल अब विपक्षी दलों का टूटता गठबंधन धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन सत्ताधारी पार्टी भाजपा को मात दे पाता है या नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।